वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिबास किचन। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन हॉट एंड सोर सूप, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं, मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 kg चिकन लिया है। ये बोनलेस चिकन नहीं है, इसमें हड्डियाँ भी शामिल है। हड्डियों वाला जो गोश्त है उसकी जो यखनी है वो अच्छी बनती है, इसलिए मैंने हड्डियों वाला भी लिया है। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबल स्पून मैं चिली सॉस लूँगी, 2 टेबल स्पून सोया सॉस लूँगी और 2 ही टेबल स्पून मैं विनेगर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, हसबे ज़रूरत नमक लिया है और 1.5 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिए मैंने। तो अब सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बर्तन में यहाँ पे 7 कप पानी डाल दूंगी। इसके बाद अब मैं इसमें हमने जो चिकन लिया वो ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को बॉयल होने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम लोग। अब अब यहाँ पे मैंने जो हमारा जो चिकन है उसको रेशे कर लिए हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। मैं इसे वापस हमारा जो यखनी वाला पानी है उसमें डाल दूंगी और अब हम लोग इसके बाद इसमें जो हमने नमक लिया है वो शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम दोनों चीजों को। और अब हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद अब हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी मैं। और लास्ट पे हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देंगे। और ये मैंने जो सारी चीजें डाली है इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूंगी अब बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मैंने यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें मैं पानी शामिल करती जाऊंगी और इसका मिक्सचर तैयार कर लूंगी।
थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करूंगी मैं। उसका एक हमने अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। हमारा जो ये मिक्सचर है ये आप देख सकते हैं कि इतना थिक है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं हमारा जो सूप है उसमें हमने जो मिक्सचर तैयार किया है कॉर्नफ्लोर का वो डालती जाऊंगी और इसको साथ साथ हम लोग हिलाते जाएंगे अच्छे तरीके से। मैं इसमें ये डालूंगी और साथ साथ अच्छे तरीके से हिलाती भी जाऊंगी। रुकना नहीं है, हमने इसको हिलाते रहना है। साथ साथ हमने बिल्कुल मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं कि फौरन से कितना थिक हो गया हमारा जो सूप है वो। अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए मजीद पकने दूंगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सूप है अभी वो बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो अंडे लिए थे उनकी जर्दी को मैंने निकाल दिया और यहाँ पे मैंने सिर्फ सफेदी ली है। हमने सिर्फ सफेदी यूज़ करनी है इसमें, हमने जर्दी यूज़ नहीं करनी है। अब मैं इसमें एक चुटकी जो है वो नमक शामिल कर दूंगी और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पड़ा रहने दूंगी जब तक कि हमारा जो सूप है वो हो रहा है अभी मजीद गाढ़ा। इससे ये होगा कि हम जब इसे डालेंगे सूप में तो इसके बहुत बारीक बारीक रेशे बनेंगे और ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसके ज़्यादा मोटे रेशे नहीं बनेंगे। जिन्हें सूप में अंडे के ज़्यादा मोटे रेशे पसंद नहीं हैं वो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करें। Thank you.
अब इसे पड़े हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मैं इसे अच्छी तरीके से फेंट लूँगी और अब हम लोग इसे अपने जो सूप है उसमें डाल देंगे। अब मैं जो हमारे अंडे की सफेदी है उसे सूप में डालती जाऊंगी और उसको साथ साथ हिलाते जाएंगे। हमने बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बिल्कुल साथ साथ हमने इसको हिलाते जाना है अच्छे तरीके से। और अब हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारा जो अंडा है वो अच्छी तरह पक जाए, कच्चा ना रह जाए हमारा जो अंडा है वो। और इस टाइम पे मैंने जो फ्लेम है वो ज्यादा हाई नहीं रखा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको टिप बताई है उसकी वजह से ये हमारा जो अंडे के रेशे हैं वो कितने ब्रीक ब्रीक आए हैं। तो आप ये ट्रिक जो है वो जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। हमने बिल्कुल एक चुटकी थोड़ा सा नमक अंडे में डाल देना है, उसके बाद हमने इसे 5 मिनट रखने के बाद फेंटना है। मैं इसे 1 मिनट के लिए तकरीबन पकने दूंगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सूप है वो बिल्कुल तैयार है। मैं जो चूल्हा है वो बंद कर दूंगी और अब मैं ये जो गरम गरम सूप है उसे सर्व कर लूंगी। तो हमारा जो गर्मा गर्म सूप है वो बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।